भाई अर हैं जो आज बचपन से हम सब के साथ बात करेंगे और हम उनके द्वारा बच्चों को सुनेंगे और मैं चाहता हूँ कि भाई आगे आए और जोर से ताली जाए और सारे धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्रात्मा के जोरदार लोगों के बीच हालेलुया। प्रिय जी तो आज यहोवा पापा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद होता हूँ। आज के हैप्पी सुबोध में हम यहोवा की महिमा स्तुति कर रहे हैं और इसका बड़ा अनुग्रह है, बड़ा फजल है कि इस वक्त हम उसकी हजूरी में बैठकर यहोवा के पवित्र कलाम को, उसके पवित्र वचनों को हम सुन रहे हैं। और आपके वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। आमेन। तो आज हमें तीन बातों को सीखना है क्योंकि ढेरों के पर्व के अंदर तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली बात, आज हम झोपड़ी के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में झोपड़ी के बारे में। दूसरी बात, हम बादल के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में बादल। और तीसरी बात, हम आग के खंभे के बारे में सीखेंगे। जो आग का खंभा इसराइलियों के बीच में आ जाता था, जो बादल उनके तंबुओं के ऊपर आ जाता था। आज इन तीन बातों के ऊपर हम अपना ध्यान लगाएंगे और आप अपने जीवन में एक बड़ी जागृति को महसूस करेंगे। मेरे प्रियो, आप बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो आए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचन के लिए अपने हृदयों को तैयार करें। अपना ध्यान हम इधर उधर की बातों से हटाकर यहोवा की ओर लगा ले, क्योंकि आज जब यहोवा के कलाम से हम सुनेंगे हमारे जिंदगियां आशीष पाएगी। हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, हम बदल जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं बाप के स्वर्ग में शाख में। इस वक्त हम सबों के हृदयों को आप खोल दीजिए, हमारी आंखों को आप खोल दीजिए, ताकि आज जो बातें आप हमें सिखाना चाहते हैं, जो बातें आज आप हमें बताना चाहते हैं, उन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए हमारे मन खुल जाए और आपके नाम को महिमा दे। आप हम सबसे बात करें, आपकी दया आपके लोगों के जीवनों के ऊपर हो रही है। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु के मसीह के नाम से अब हम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय सीसो, जब हम ढेरों के पर्व के बारे में पढ़ते हैं, तेईस अध्याय के अंदर, उसके 33-40 वचन के अंदर ढेरों के पर्व के बारे में लिखा हुआ है और आपने इस वचन को बहुत बार सुना है। तो यहोवा ने ये आज्ञा इसराइलियों को दी कि जब तुम ढेरों का पर्व मनाओगे तब तुम्हें 7 दिन कहाँ रहना है? झोपड़ियों में। कहाँ रहना है? झोपड़ियों में रहना है, ढेरों के अंदर रहना है, या तंबू बना के रहना है। क्योंकि वचन ये बयान करता है कि 40 साल तक वो जंगल के अंदर झोपड़ियों में रहे, तंबुओं में रहे। एक समय था जब वो मिस्र के अंदर पाप की गुलामी में आहे भर रहे थे, गुनाह में दम तोड़ रहे थे, मर रहे थे। यहोवा ने अपनी बड़ी दया से लिखा है, उकाब पक्षियों के पर के ऊपर बिठाकर वो ये अपने पास जंगल में गया। कहाँ गया? कहाँ गया? जंगल में गया। जंगल अलगताई को दिखाता है, जंगल पवित्रताई को दिखाता है। लेकिन मैं आप संसार के गुनाहों में, संसार में मर रहे थे, गुनाह में तड़प रहे थे, पाप में हमारा जीवन था। लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू की सामर्थ के द्वारा हमें शुद्ध करके वो हमें कलीसिया में ले आया, संसार से अलग करके। जैसे इसराइलियों को वो जंगल में ले आया, हमें कहाँ ले आया? कलीसिया में, अपने पास वो हमें ले आया। जब वो जंगल में आए तो उन्होंने तंबू बांध लिए, तंबुओं में वो रहते थे और यहोवा की उपस्थिति उनके बीच। क्यों यहोवा चाहता था कि वो तंबू में रहे? क्यों यहोवा चाहता था कि वो झोपड़ी में रहे? क्या पर्पस था? 40 साल तक जब वो तंबुओं में रहे, आज तक यहोवा की ये कमांडमेंट है, ये हुक्म है कि 7 दिन तुम अपने पक्के घरों को छोड़कर, अपने मकानों को छोड़कर तंबुओं में आके रहना, डेरे बनाते रहना या झोपड़ी में रहना। क्यों यहोवा चाहता है? इसके पीछे एक बड़ा रीजन है मेरे भी, एक बड़ा उद्देश्य है।
मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय पहले वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, ये जो डेरा शब्द यहाँ पर आया है, ये तंबू है, ये झोपड़ी है, क्या है झोपड़ी, केरों का पर्व कहते हैं, केरों का पर्व है या झोपड़ी का पर्व है या मंडपों का पर्व आया है, तो यहाँ झोपड़ी की बात हो रही है, पढ़े, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा गिराया जाएगा तो हमें यहोवा एलोहिम की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चीर स्थाई है, हाँ, अनंत काल के लिए है, हमेशा के लिए है। तो बाइबल ये बयान करती है जो डेरा है, जो झोपड़ी है, वो इंसान के जीवन की ओर इशारा करती है। वो क्या है? क्या है? इंसान का हाँ, तंबू आज यहाँ लगाया गया, कल उखाड़ दिया जाएगा। उसके अंदर बड़े दुख है, बड़े कष्ट है। 40 साल तक यहोवा पूरे जंगल में तंबू में रखने का उद्देश्य ही यही था कि वो दुखों में से निकलेंगे, कष्टों में से निकलेंगे, भूखे रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे। वहां पर कोई साधन नहीं था, कोई लग्जरी चीजें वहां अवेलेबल नहीं थी, मौजूद नहीं थी, वहां सब कुछ उनके लिए यहोवा था। कौन था? उन्हें पानी चाहिए, यहोवा की ओर देखना है। उन्हें रोटी चाहिए, यहोवा की ओर देखना है। उन्हें कुछ भी चाहिए, किसकी ओर देखना है? यहोवा। अगर वो पक्के मकानों में होते, बड़े बड़े आलीशान बंगला के अंदर होते, तो क्या देखते यहोवा की ओर? देखते वहां सारे आराम की चीजें मौजूद है। उन्हें वहां यहोवा की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहोवा चाहता था कि तंबू में रहे और मेरी ओर देखे। हालेलुया। तो तंबू कभी भी उखाड़ा जा सकता है, उसकी कोई ब्यूटी नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, वो इंसान रूपी जीवन को दिखाता है। मेरे लिए आज हमने बेशक से बड़े बड़े मकान बना लिए हो, बड़े बड़े घर बना लिए हो, बहुत सारा बैंक बैलेंस या बहुत कुछ हमने इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन याद रखिए, ये जीवन रूपी तंबू एक दिन उखाड़ दिया जाएगा, एक दिन ये डेरे को गिरना पड़ेगा। लेकिन जो डेरा यीशु मसीह में है, उसे स्वर्ग से एक अविनाशी डेरा मिलेगा। आमेन। लेकिन जो डेरा इस पृथ्वी के ऊपर पक्का हो चुका है, जुड़ चुका है इस धरती के साथ, इस जमीन के साथ, एक बड़े मकान में या महल में तब्दील हो चुका है, वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो जमीन के साथ जुड़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो डेरा किसको दिखाता है? झोपड़ी इसको दिखाता है, इसको दिखाता है हमारे जीवन को। आमेन। बाइबल के अंदर लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर को एक सपना आया। सपन में उसने बड़े पेड़ को देखा, बाग के बीचों बीच, और एक पहलवान उतरा और उसने पेड़ को काट दिया। पेड़ बहुत हरा भरा है, आकाश के पक्षियों के घोंसले उसके अंदर थे, लेकिन क्या हुआ, पहलवे ने इस पेड़ को काट दिया, चटा दिया गया। को बुलाया गया और दानियल ने स्वप्न का अर्थ बताया। जब आप दानियल 4 अध्याय को पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा वहां पर। तो दानियल ने जब स्वप्न का अर्थ बताया और राजा को यह बताया कि राजा वो पेड़ तू ही है, अच्छा रहेगा अगर तू अपने आप को दीन करे, अपने आप को छोटा करेगा, कहीं घमंड में न पड़ जाना। तो राजा ने जब दानियल की बात सुनी, उस समय तो वो सीरियस हो गया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उन बातों को वो भूल गया और अपने राजमहल की शहरपनाह के ऊपर वो जब टहल रहा था, उसने बेबीलोन के शहरपनाह को देखा, उसके फाटकों को देखा, उसकी चार दीवारी को देखा और देखकर कहने लगा कि ये बड़ा बेबीलोन मैंने अपने बड़े दुश्मन के द्वारा नहीं बनाया,
कई बार हम भी कहते हैं ये बड़ा आलीशान घर हमने बनाया, ये बड़ी गाड़ी हमने ली है, भूल जाते हैं कि हमने किया है, कि मैंने किया है। जब प्रभु कलेश ऐसा बोल रहा था, एक स्वर्गदूत आया, एक आकाशवाणी हुई, राजे नबूकदनेस्सर के हाथ से छीन लिया, उसका मन जानवर की तरह हो गया, न फूल बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े हो गए, और जंगल की ओर भाग गया। वहां क्या हुआ, जंजीर से फांस दिया गया उसे, और जैसे झोपड़ी आकाश की ओस पर भीगती है, वो भी भीग रहा था। हालेलुया, घास खा रहा था, झोपड़ी के समान वहां जीवन बिता रहा था। 7 साल बड़ी पीड़ा में, लेकिन 7 साल के बाद जब उसकी आंखें खोली, उसे पता लगा कि हमारा जीवन है ये क्या, इस झोपड़ी के सुबान है, आज है कल उखाड़ दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने तौबा कर ली। एक राजमहल में था, घमंड कर रहा था, ये हवा उसे निकल गया। तो झोपड़ी हमारा जीवन है मेरे प्रिय, मैं बड़े ध्यान से अपने जीवन के ऊपर गौर करना है, कहीं हम इस संसार की चीजों के साथ जुड़ तो नहीं रहे, क्योंकि बहुत जल्द हमें संसार को छोड़कर यीशु मसीह के पास जाना है। हालेलुया, 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 हमें जाना है। मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन पढ़े, इब्रानियों 11:8-10। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया, इब्राहिम जब बुलाया गया, तो जो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे निराश में लेने वाला था, और ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, वो भी मैं निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराय देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया तंबुओं में। अब्राहम बहुत धनी था, उस समय के लोगों में सबसे धनवान था, लेकिन कहां रहता था क्यों, उसे पता था ये तंबू फाड़ा जाएगा, वो अविनाशी घर की प्रतीक्षा में था, उस नगर की आशा में था जिसका बनाने वाला यहोवा था। उसने अपना ध्यान धरती की चीजों के ऊपर नहीं लगाया, संसार की चीजों के ऊपर नहीं लगाया, संसार के महलों के ऊपर नहीं लगाया, पर वचन ध्यान करता है। उसने अपना जीवन तंबुओं में गुजार दिया, क्योंकि वो इस बात को जानता था। हालेलुया, यहोवा ने उसे उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। उसने अपना जीवन तंबुओं में गुजारा, तंबुओं में वो रहता था, क्योंकि वो तंबू की अहमियत को जानता था, उसके तंबू के ऊपर बातें होती थी। तभी यहोवा ने एक बात कही, मैं चाहता हूं 16 वचन को, पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए यहोवा उनका यहोवा कहलाने में उनसे नहीं लगाता है। तो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। हाँ, आपको पता है यहोवा क्यों कहता है, मैं अब्राहम का यहोवा हूँ, मैं इसहाक का यहोवा हूँ, मैं याकूब का यहोवा हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन कहाँ गुजार दिया तंबुओं में गुजार दिया, क्योंकि ये उस नगर के अभिलाषी जिसका बनाने वाला यहोवा था। इन्होंने अपने आंखें धरती की चीजों के ऊपर नहीं लगाई, पर कहाँ लगाई क्या आज हमारा जीवन तंबू के समान है, जो पूरी तरीके से यहोवा के ऊपर आ गई, आज हमारा जीवन झोपड़ी के समान है। अब्राहम ने अपना जीवन वैसे बना के रखा मेरे प्रिय, तो झोपड़ी जो है इंसान के जीवन को दिखाती है, किसको दिखाती है। मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन और पढ़े, नहेमिया 8:14-16।
और उन्हें व्यवस्था में ये लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा से ये आज्ञा दिलाई थी कि इज़राइली सातवें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें और अपने सब नगरों और यरूशलम में ये सुनाया और प्रचार किया जाए कि पहाड़ पर कहाँ जाना है पहाड़ पर जाकर जलपाई तेल वृक्ष मेहंदी खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर अपनी झोपड़ियां बनाई। क्या कह रहा था? जलपाई की डालियां, तेल वृक्ष, जलपाई किसको दिखाता है? अभिषेक को। जलपाई के तेल से अभिषेक किया जाता था। अभिषेक लो, झोपड़ी कैसी होनी चाहिए? अभिषेक खजूर की डालियां लेकर आनी थी। खजूर किसको दिखाता है? धार्मिकता को। किसको दिखाता है? धार्मिकता को। झोपड़ी कैसी होनी चाहिए? धर्मी। हमारा जीवन अभिषेक हो, हमारा जीवन धर्मी होना चाहिए। फिर लिखा है मेहंदी लेकर आती है। जब मेहंदी को लेकर आते हैं तो क्या करते हैं? उसको कूटते हैं, पीसते हैं, और पीसकर जब उसे हाथों में लगाएंगे क्या होगा? कलर छोड़ ही जाएगा, कलर छोड़ ही जाएगा, और उससे बड़ा आनंद होगा। याद रखिए, जब धर्मी को लिया जाता है उसे सताया जाता है, उसे कूटा जाता है, उसके लहू को बहाया जाता है, और यहोवा उन बातों को स्वर्ग में लिखकर देता है, उनकी यादगारी के लिए नोट किया जाता है। वो यहोवा के राज्य में जाएंगे, लिखा है तुम धन्य हो तो तुम मेरे कारण सताए जाते हो। हालेलुया। जब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, वहां अपने पिता के राज्य में क्या करेंगे? आनंद मनाएंगे। जब पतरस यहूदा को पीटा गया, क्या किया उन्होंने? आनंद मनाया। फिर लिखा है घने घने वृक्षों की डालियां जो हरी भरी है, और जो डाली यीशु मसीह में फटी रहती है वो कैसी रहती है? हरी भरी रहती। झोपड़ी जो है मेरे प्रियो, क्या है? हमारा जीवन। क्या है? हमारा जीवन। जैसे झोपड़ी पूरी तरीके से यहोवा के ऊपर आश्रित है, ऐसे ही हमें भी यहोवा की ओर देखना है। हमें इस संसारिक चीजों के साथ छुड़ना नहीं है, पर हमें याद रखना है। अब्राहम ने माना कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं परदेसी हूँ, मुझे इस दुनिया को छोड़कर अपने स्थायी ठिकाने पर जाना है। याद रखिए, हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर, हमें इस दुनिया को छोड़कर अपने असली ठिकाने पर जाना है मेरे। हालेलुया, हालेलुया। तो 40 साल तक वो झोपड़ी में, आपको पता है जब वो झोपड़ी में थे, बीच में मिलाप का तंबू है और यहोवा का बादल उनके ऊपर आ जाता था। जब आप झोपड़ी को हिब्रू में लिखेंगे तो सुका लिखा है, सुका का फर्क है। तो सुका की जो स्पेलिंग होती है हिब्रू में, सामेक, 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 कब, हे, सामेक, कब, हे। अब जब सामेक की आप पिक्टोग्राफ को देखेंगे तो एक पिलर टाइप आपको नीचे दिखेगा, लाइन एक पिलर आई हुई है, उसको सहारे के रूप में लेते हैं, सपोर्ट देने के लिए, सहारे देने के लिए। तो एक पिलर ऊपर से नीचे की ओर आपको आते हुए दिखाई देगी, और ऊपर 3 लाइनें नजर आएंगी आपको, सीधी 3 लाइनें। तो जो 3 लाइनें आपको नजर आ रही है वो 3 लाइनें 3 स्वर्ग को दिखाती है। कितने स्वर्ग है? 3 स्वर्ग। 3 स्वर्ग को वो 3 लाइनें दिखाती है। उन 3 स्वर्गों के ऊपर से एक पिलर, आग का खंभा या बादल का खंभा उनके बीच में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप काफ को देखेंगे तो काफ यहोवा का हाथ है। क्या है? यहोवा का हाथ। और पहला राजा के अंदर जब आप पढ़ेंगे, एलिया ने अपने दास को भेजा, 18:44 को जब आप पढ़ेंगे, एलिया ने अपने दास को भेजा, दास समुद्र में कुछ नजर आता है,
वो पहली बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, कुछ नजर नहीं आया। जब सातवीं बार गया, एक हाथ उसे पातर के समान नजर आया। क्या नजर आया, क्या नजर आया? एक हाथ। तिलोहमा स्वर्ग से उतरकर उनके बीच में आ गया था। जो बादल उनके ऊपर था वो और कुछ नहीं, यहोवा का हाथ उनको थापे हुए था। हालेलुया, हालेलुया। तंबू के मिलाप वाले तंबू के ऊपर से बादल उन सब के ऊपर, उन सब के तंबुओं के ऊपर चला जाता था, और बीच में एक खंभा, एक पिलर उनको नजर आता था। आगे ये है मेरे प्रिय, जब वो इस नजारे को देखते थे, ये क्या है? एक वर्शिप करने वाला इंसान जो महिमा करता है, वो यहोवा की वर्शिप किया करते, वो झुक कर यहोवा को दंडवत किया करते थे, वह सूखा बनता था। हालेलुया, हालेलुया। उन तंबुओं के ऊपर जब यहोवा का बादल आता था, आपको पता है बादल के अंदर यहोवा की उपस्थिति है। बादल में कौन है? यहोवा ने मूसा को कहा, मैं बादल में होकर उसे बात करूं। बादल यहोवा नहीं है, पर बादल में यहोवा की उपस्थिति, बादल में यहोवा मौजूद है। बाइबल ध्यान करती है, बादल उसके पांव की धूल है। जो पर्वत के ऊपर उतरा, उसके पांव के नीचे नीलमणि का सा कुछ था, नीलम सा था। तो जब यहोवा उनके तंबुओं के बीच में उतरता था, तो मेरे प्रियो, पिछले दिनों में जब मैं सफर कर रहा था हेलीकॉप्टर से, जब आप ऊपर जाएंगे बादलों के ऊपर, तो वहां पर बड़े बड़े बादल हैं। प्लेन के नीचे बादल, ऊपर बादल होते हैं। जब सूरज की रोशनी बादलों के ऊपर पड़ती है, क्या नजारा होता है! बादल ऐसे कुछ नहीं, चमक रहे होते, प्रकाश दे रहे होते। तो सोचिए, सूरज को बनाने वाला जब उन बादलों के अंदर है, उस बादल में है, कितना प्रकाश होगा, कितना नूर होगा वहां पर। और इसराइल जो यहोवा के नूर में चल रहे थे, उसके प्रकाश में चल रहे थे, उनके तंबुओं में यहोवा का प्रकाश भर गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश भर जाता था, बादल उनको घेर लेता था। वो पापियों में चल रहे थे, वो अद्भुत नजारा ऐसा दिखता था जैसे वो स्वर्ग में हो। हालेलुया, कभी उनके कपड़े नहीं पड़े, उनकी जूती नहीं घिसी। हालेलुया, फिर वो यहोवा में चल रहे थे। हालेलुया, वो यहोवा में चल रहे थे, बादल ने उनको कवर किया हुआ, बादल ने उन्हें घेर रखा था। पर जब तक वो तंबू में रहे, तब तक ही बादल उनके ऊपर वो पके मकानों में चले, बादल उनके ऊपर से, बादल उनके ऊपर से हट। अब वो नजारा इतना अद्भुत था, यहोवा उन उस बादल में था, और यहोवा के पांव के नीचे नीलमणि सा कुछ था। वो सोचे, नीला प्रकाश वहां, यहोवा की ज्योति वहां, यहोवा का प्रकाश वहां था उनके तंबुओं में। और रात को भी उनको उजाला मिलता था, रात को वो आखा फिगर बन जाता था, दिन में वो बादल में उन्हें रोशनी देता था, उजाला देता था। तो दिन में भी उजाला है और रात में भी, जब हम स्वर्ग में जाएंगे क्या दिन और रात होंगे? दिन में भी उजाला, रात में भी। हालेलुया, हालेलुया। वो एक स्वर्ग के अनुभव उनके जीवन में यहोवा दे रहा था। इसलिए यहोवा ने कहा, सात दिन तुम अपने पके मकानों को छोड़कर झोपड़ियों में रहना, ताकि तुम्हें याद आए, एक दिन यह तंबू उखाड़ा जाएगा, ऐसे ही मेरा जीवन उखाड़ा जाएगा। और जब वो झोपड़ियों के समान अपना जीवन बना रहे, तंबू में रह रहे थे, यहोवा का बादल, यहोवा बादल में होकर उनके साथ साथ चल रहा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, लेकिन संसार की गुलामी में थे, यीशु मसीह ने हमें संसार से अलग किया, कलीसिया में लाया। आज हम कलीसिया रूपी झोपड़ी यहाँ मौजूद है, और यीशु मसीह ने कहा, जहाँ दो या तीन मेरे नाम में जमा हो, वहां मैं उनके बीच में, उनके बीच में। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में, उसके प्रकाश, उसका वचन का प्रकाश आज हमारे हृदयों को रोशन करता है, आसमान कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। बता रहा आपको, झोपड़ी किसको दिखाता है, किसको दिखाता है? हाँ, बादल यहोवा की उपस्थिति, उसके प्रेजेंस को दिखाता है।
वो यहोवा की उपस्थिति में चल रहे थे, एक स्वर्गीय अनुभव को ले रहे थे, प्रकाश ही प्रकाश था वहां। हालेलुया हालेलुया। आगे चले आप देखिए, 40 साल तक फादर उनके तंबुओं के ऊपर रहा, और 40 साल के बाद क्या हुआ, बादल उनकी आंखों से, अब बादल में यहोवा उनको नजर नहीं आ रहा, उसकी उपस्थिति महसूस हो रही है। यहोवा नजर, यहोवा नजर छुपा हुआ है। भाई मूसा को जब बोला कि मैं अपने हाथों से तुझे छुपा के रखूंगा, तो जब मूसा यहोवा की उपस्थिति में जाता था या महायाजक पवित्र स्थान में, अब पवित्र स्थान में जाते थे, बादल होता था ना वहां पे, कहता था मैं बादल में तुझसे मिलूंगा, तो बादल में वो अपने आप को छुपा लेता था, छुप जाता था, लोग उसके चेहरे को नहीं देख सकते थे, पर उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते, उसकी ज्योति में वो रह सकते थे, ज्योति को वो देख सकते थे, क्योंकि वो अखम में ज्योति में रहता था। हालेलुया हालेलुया। तो 40 साल तक वो यहोवा को प्रकट रूप से नहीं देख सकते थे, पर उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते, चीजों में उसे देख सकते थे, बादल में देख सकते थे, कुटुंब में देख सकते थे, मनोरा में देख सकते थे, बच्चा के संदूक में देख सकते थे, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसमें वो यहोवा को देख सकते थे, वो यीशु मसीह को देख सकते। 40 साल बीत गए बादल, यहाँ 4000 साल बीत गए, 4000 साल तक यहोवा अपने लोगों से बात करता रहा, कैसे वो देख नहीं सकते, कैसे बात करता रहा, वो देख नहीं सकते थे, पर उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। जब वो मिनोरा को देखते थे, वो यहोवा की उपस्थिति को महसूस कर सकते, वाचा के संदूक को देखते थे, यहोवा की उपस्थिति को महसूस कर सकते, जब नबी आ जाता था, वो कलाम करता था, वो यहोवा की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। 4000 साल, लेकिन जैसे 4000 साल का पीरियड पूरा हुआ, क्या हुआ, यीशु मसीह आ गया, और यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, मेरे बाप को देखा। हालेलुया। जो चीजें छुपी हुई थी वो प्रकट रूप में आ गई। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना चेहरा दिखा दिया, यीशु मसीह ने अपना जलाल, अपना नूर दिखा दिया। हालेलुया। क्योंकि उस जगह पर पूरा सुसमाचार छुपा हुआ, अंत की बातें छुपी हुई है। अब क्या हुआ, अब यीशु मसीह यहोवा, यीशु मसीह जो यहोवा है, वो प्रकट रूप से नजर आ रहा है, वो अपने लोगों से बात कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, लोगों को बातें कर रहा, सुना रहा है, लोगों ने उसको पहचाना नहीं। अब यीशु मसीह एक झोपड़ी के रूप में आया था, वो डेरा किराया जाना था, डेरा किराया गया, और 500 लोगों के सामने जदून पहाड़ के ऊपर से वो बादलों के ऊपर उठा लिया गया। कहां उठा लिया गया, कहां उठा लिया गया, बादलों ने यीशु मसीह को छुपा लिया, बादलों ने यीशु मसीह को फिर से छुपा लिया। जब बादल छुप गया तो क्या हुआ, जैसे रात के समय में वहां पर आग का पिलर आ जाता था, बादल छुप गया, आग का पिलर, उसी बादल में उन्हें क्या नजर आता था, आग का पिलर, आग का पिलर आ जाता था। तो जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, तो पेंटेकोस्ट के दिन 120 लोगों के ऊपर क्या आ गया, आग का पिलर आ गया। तो यहोवा आग के पिलर के रूप में इसराइलियों को रास्ता दिखा रहा था, उन्हें राशि दिखा रहा था, पवित्र आत्मा आग किसी छिपों के रूप में कलीसिया रूपी मंदिर के ऊपर, कलीसिया रूपी झोपड़ी के ऊपर उतर आया, उन्हें रोशनी दिखाने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए, मेरे प्रियो। और आज भी वो कलीसिया के बीच में मौजूद है, अपने भाव से दिखाई दे। हमारे साथ है आज, पवित्र आत्मा अपने वचन में जो आग के समान है हमारे अंदर। हालेलुया हालेलुया। अब उसके प्रकाश में चल सकते हैं, हम वचन रूपी यीशु के प्रकाश में चल सकते हैं, हम वचन रूपी आग के पिलर के प्रकाश में चल सकते हैं। आज वो हमारे बीच में टिका कर रहा है, वो आज हमारे बीच में, आज हमें अपना जीवन चेक कर रहा है, मेरे प्रियो। कहीं हमारा जीवन संसारिक महलों के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ, संसारिक चीजों के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ, अगर जुड़ा है तो काटेगा, एक झोपड़ी पे डाल पड़े, एक झोपड़ी में मान ले हम वो टिका है, हम वो तब्बू है, तो एक दिन उखाड़ लिया जाए।
आज सुबह मैंने एक सपना देखा, बहुत रेयर सपना देखता हूँ, बहुत मुश्किल सपना देखता हूँ। तो आज सुबह मैंने एक सपना देखा, मैंने देखा चर्च लगा हुआ है और इबादत चल रही है, और चर्च के अंदर मैंने कुछ लोगों को देखा, भाइयों को देखा, ऊपर उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे, बनियान पहनी हुई थी सफेद, थोड़ी सी बैली सी थी, और नीचे का जो बॉडी है वो नंगा था, और कोई उन्हें नहीं देख रहा था, सारे वर्शिप कर रहे थे, सारे आराधना कर रहे थे, वैसे ही कर रहे थे, लेकिन मैं बाहर से देख रहा था कि वो आधे नंगे थे और आधे कपड़े पहने हुए। आज हमेशा इसका अचीवन हो सकता है, आधा संसार में और आधा हमें अपने जीवनों के ऊपर कौन करना है मेरे भैया, क्योंकि एक दिन ये ढीला दिलाया जाएगा, और जो ढीला उस यीशु में है, जो अपने आप को दीन बना के रखे, पवित्र बना के रखे, आज जैसे इसराइल लोग उस समय जंगल के अंदर थे, महसूस करते थे कि हम स्वर्ग में, उस चुनाव को महसूस करते थे, हम भी को उस स्थिति को, उस हजूरी को अपने जीवनों में महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह उठा लिया गया, आपका पिलर आया पवित्र आत्मा, आप किसी जीवों के रूप में किसके ऊपर आ गया, कलीसिया के ऊपर। आपको पता है एक दिन जैसे यीशु मसीह रूप टेढ़ा गिराया गया और महिमा में थे जी उठी और वो उठा ली गई, एक दिन कलीसिया, कलीसिया रूपी झोपड़ी, कलीसिया रूपी टेढ़ा गिराया जाएगा, एक महिमा में टेढ़ा उसे दीन किया जाएगा, महिमा में थे उसे दीन किया जाएगा। के ऊपर उठाई जाएगी, कहां उठाई जाएगी, कहां उठाई जाएगी, आपको पता है फादर है, ये पापा का हाथ क्या है, वो अपने हाथों में हमें उठा देगा, जैसे कोई इसराइलियों को 40 साल अपने गोद में उठाए हुए था, हमें वो हमें उठा लेगा, बादल हमें छुपा लेंगे, बादल हमें छुपा लेंगे, संसार के लोग हमें नहीं देख पाएंगे, यीशु मसीह को नहीं देख पाए, बादलों ने यीशु मसीह को छुपा लिया, ऐसे ही हम ऊपर चले जाएंगे, बादल हमें छुपा लेंगे, फिर क्या होगा, आग की बारिश होगी, क्या होगा, क्या होगा, ऐसे कलीसिया के ऊपर आग आई थी, कलीसिया तो समझती थी भरी हुई थी, और उनके वो आग आशीष का कारण थी, लेकिन संसार के ऊपर आग आएगा, संसार ने उस आग को नहीं पहचाना, जिन्होंने उस आग को नहीं जाना, उसकी पवित्रता को ठुकराया, उसकी पवित्रता का इनकार किया, याद रखे आग उनका न्याय करेगी, आग उनको जलाएगी और सब कुछ चहर पहस हो जाएगा। हालेलुया, पुरानी पृथ्वी, पुराना आग छाता रहेगा, एक नया आग होगा, एक नई पृथ्वी होगी, और फिर क्या होगा, मैं बताता हूं, पर पढ़े प्रकाशित वाक्य 7:15 इस कारण मैं यहोवा एलोहीम के सिंहासन के सामने है, यहोवा एलोहीम के सिंहासन के सामने है, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करूंगी, और जो सिंहासन पर बैठा है, मैं उनके ऊपर अपना तंबू डालेगा, मैं फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, यहोवा का तंबू, यहोवा का ठेरा होगा, और हम यहोवा के नूर में, उसके प्रकाश में चलेंगे मेरे प्रियो, और रात दिन यहोवा की उपस्थिति में उसको दंडवत किया करेंगे, वो अद्भुत नजारा होगा, और इन्हीं बातों को आज तेरों का पर्व हमें याद दिला रहा है, जो हुआ था, जो हो रहा है और जो होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, इसको को झूठ के समान रहना है, जीवन में यहोवा की उपस्थिति है, आज यहोवा का वचन वो आग का पिलर है, पवित्र आत्मा के रूप में इसकी रोशनी में चलकर हमें यीशु मसीह में बने रहे, आमेन, हालेलुया, 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 पवित्र आत्मा के जोरदार धन्यवाद और वंदन करेंगे, यहोवा का अपने पवित्र वचन के द्वारा आप सबको पहुंच कर जाते हैं, आमेन। कि हम टेम्परेरी घरों में हैं, कौन से घरों में, ये हमारा शरीर भी टेम्परेरी घर है, इसको भी तंबू के समान बाइबल कहती है
एक दिन इसको भी पृथ्वी में से उखाड़ दिया जाएगा। आमीन बोलिए। अब पता नहीं है कब तक ये हाल है। मर्याद तो सर 70-80 साल की है। कितनी? कई पहले ही उठ भी जाते हैं। पर याद रखे, अगर आप यहोवा के डर में रहेंगे, आप अपने नाम की पोतों को देंगे। यही कहता है कि धन्य है वह जो यहोवा का, वो कैसी आशीष पाएगा? अपने नाम की पोतों को। आमीन बोलेंगे। जब तक वो कहेगा नहीं कि अब मैं जाना चाहता हूँ, तब तक यहोवा उसको लेकर। अब्राहम ने 5 साल पहले यहोवा को कह दिया, उसकी आयु 180 साल थी, उसने 5 साल पहले मांग लिया, यहोवा अब मुझे उठा ले, क्योंकि मैं इसाऊ को गलत कामों में देखना नहीं चाहता। अरबिया बोलेंगे, आपको मतलब 5 साल पहले उठा। इसके कहता है कि याद कर मेरे पूर्व जन्म तेरे के कितने बड़े बड़े काम किए, चल उसको 15 साल और दे। आमीन बोलेंगे। आमीन। याद रखें हमारे जीवन का एक ही फल उसके हाथ में, पर हम कौन से घरों में हैं? ऐसे घरों में। जब ये त्योहार आता है तो वो 7 दिन याद करते हैं कि कैसे 40 वर्ष हम तंबुओं में रहें, लेकिन यहोवा का बादल, यहोवा का हाथ है हमारे ऊपर से कभी भी नहीं है, ना हमारे कपड़े फटे, ना हमारे पांव फटे। आगे बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारी मेहमान हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं, हम विश्वास करते हैं। हम सब ने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई। सिर्फ एक एक अंतरा में बोलूंगा, उसके पास बाद दुआ करेंगे। सारी मेहमान यीशु मसीह के नाम है जिंदगी, इससे भी कम भी जिंदगी नहीं। यीशु नाम है जिंदगी, इससे भी कम भी जिंदगी नहीं। पता नहीं किस मोड़ पे मुक जाए जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं। पता नहीं किस मोड़ पे मुक जाए जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं। और ये सुना बचारे जिंदगी में जो तुझसे विश्वास करते हैं
जिस वचन के द्वारा तू उन्हें अपनाता है और अपने उस घर में लेके जाता है जो तू उनके लिए बनाने वाला है। हम चाहते हैं वहाँ अपने आप को देखना, अपने घर वालों को, एक दूसरे दोस्त को, मित्र को वहाँ देखना, क्योंकि तू ने वादा किया है और तू उसे पूरा भी करेगा। इस समय हम टेम्पररी घरों में, लेकिन तेरे पास, तेरे घर में हमारे लिए स्थायी जगह है। वो स्थायी जगह हम पाना चाहते हैं और हम पाएंगे, क्योंकि हम तेरे वचनों को अपने दिल में रखते हैं, उससे सीखते हैं और हमेशा उसका पालन अपने जीवन में करना चाहते हैं। कई बार हम कमजोर होते हैं, पर प्रभु हमेशा तेरा वचन ही है जो हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है और मजबूती देता है, ताकि हम दोबारा उसमें टिकने ना पाए। तू संभालना हर एक को, तेरे दास को, जितने जन यहाँ बैठे हैं, सभी विश्वासियों को तेरे हाथों में सबने खुदा दुआ को यीशु के साथ। आइए इसी तरह दुनिया की उपस्थिति में बने रहे। हम आपके प्रार्थना में जाएंगे, बरकत के कलमे को भरेंगे। अब हमारे यीशु मसीह का मदद, पिता की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की शक्ति आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक यहोवा एलोहीम आपके लोगों के साथ और आपके सेवकों के साथ हमेशा हमेशा तक चले। यहोवा तुम्हें आशीष दे, यहोवा तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, यहोवा अपना अनुग्रह तुम पर करे, यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। कितने बजे गुरु? कितने बजे? 6 बजे। आमीन आमीन। कल फिर से हम मिलकर इकट्ठे होंगे और कल हमारा चौथा दिन शुरू हो जाएगा और हमें लगातार पूरे सप्ताह इसी तरह से मिलकर यहोवा की प्रस्तुति में बने रहना। हम भी बोलेंगे तो जय श्री की। यहोवा आपको आशीष दे। खाना बना है, सब लोग खाना खा।